गुल्ला क्लिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2024 को नया हिंदू वर्ष, नया संवत्सर विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है। जाहिर है, नए हिंदू वर्ष से आप सभी को बहुत उम्मीदें होंगी। उन्हें पूरी करने के लिए नए हिंदू वर्ष में, नए संवत्सर में पूरा प्रयास भी करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ आखिर में लक का जो परसेंटेज है वो आपका साथ देगा या नहीं देगा। आइए जानते हैं आने वाले नए हिंदू संवत्सर 2081 में आपके नाम के प्रथम अक्षर फर्स्ट अल्फाबेट के आधार पर कैसा रहेगा आपका नया हिंदू वर्ष, नव संवत्सर। तो आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके नाम के प्रथम अल्फाबेट के अनुसार कैसा रहेगा आपका नया हिंदू संवत्सर 2081। किसके चमकेंगे सितारे, किन्हें रहना होगा सावधान, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आपके नाम के प्रथम अल्फाबेट के आधार पर आपका नया हिंदू संवत्सर 2081 का वार्षिक राशिफल। शुरुआत करते हैं ए अल्फाबेट से। ए अक्षर के जो भी हमारे दर्शक हैं, नव संवत्सर 2081 आपको थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा फल देने वाला रहेगा। नौकरी बदलने, नया व्यापार प्रारंभ करने का सही समय वर्ष के दूसरे भाग में रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, नव संवत्सर आपके लिए शुभ परिणाम देगा। बी अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। बी अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके लिए सावधानी से गुजारने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में मेहनत और इच्छा के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन मध्यम बना रहेगा। उपाय, चावल का दान कन्याओं के अनाथ आश्रम में कीजिएगा, निश्चित तौर पर नव संवत्सर आपके लिए शुभ परिणाम देगा। सी अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। सी अक्षर के हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में साल शुभ फलदायक रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। उपाय, नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं डी अल्फाबेट की। डी अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, मनचाही जगह ट्रांसफर होगा। प्रेम वैवाहिक जीवन ठीक ठाक बना रहेगा। उपाय, नियमित रूप से वृद्धाश्रम में अनाज का दान करते रहें। ई अल्फाबेट की बात करते हैं। ई अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके सपनों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में साल शानदार गुजरेगा, वर्ष शानदार गुजरेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन थोड़ा सा खट्टा मीठा बना रहेगा। उपाय, सफाई कर्मचारी को मूंग की दाल का दान कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एफ अल्फाबेट की बात करते हैं। एफ अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 कुछ कर दिखाने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी में उन्नति होगी, व्यवसाय में तरक्की होगी, लाभ होगा। प्रेम वैवाहिक जीवन प्रेम में बना रहेगा। उपाय, हर महीने हॉस्पिटल में फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जी अल्फाबेट की बात करते हैं। जी अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 अनुकूल फल देने वाला रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिन शानदार गुजरेंगे। प्रेम वैवाहिक जीवन में कुछ वाद विवाद, तर्क वितर्क होते रहेंगे। उपाय, शमी के पौधे के पास दीपक जलाइएगा, निश्चित तौर पर वर्ष 2081 नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एच अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। एच अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, उतार चढ़ाव करने वाला रहेगा। नौकरी बदलने, व्यवसाय में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट से आपको बचना होगा। उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग का छाछ से अभिषेक कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आई अल्फाबेट की बात करते हैं। आई अक्षर के जो जातक हैं उनके लिए नव संवत्सर 2081 गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ रहेगा। नौकरी हो या बिजनेस का सेक्टर हो, हर जगह मनचाह लाभ, तरक्की, उन्नति, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा।
उपाय, पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगी। जे अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। जे अक्षर के जातकों के लिए नव संवत्सर 2081 सामान्य फल देने वाला रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में ध्यान से आपको काम करना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में संभल कर रहना होगा। उपाय, काले रंग की गौ माता को चारा खिलाइए, निश्चित तौर पर नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। के अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। के अक्षर के जातक नव संवत्सर 2081 में आपके सितारे बदलने वाले हैं और बदले हुए सितारे चमकेंगे भी सही। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, मनचाहा इंक्रीमेंट होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, हर बुधवार को गौ सेवा करते रहें, नव संवत्सर के शुभ लाभ प्राप्त होते रहेंगे। एल अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। एल अक्षर के जातकों के लिए नव संवत्सर 2081 हंसने रुलाने वाला वर्ष रहेगा। कभी हंसना होगा तो कभी रोना भी होगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में मन इच्छित लाभ नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कलह कलेश हो सकता है। उपाय क्या रहेगा? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, नववत्सर के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं एम अल्फाबेट की। एम अक्षर के जातकों के लिए नव संवत्सर 2081 हैप्पी मूवमेंट्स देने वाला रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में पद, पावर, प्रतिष्ठा का प्राप्ति होगी। बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय क्या करना है? सूर्य आराधना करके सूर्य का लॉकेट गले में धारण कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं नव संवत्सर 2081 जो 9 अप्रैल सन 2024 से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नव संवत्सर आप सभी के लिए जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, यही मंगल कामना। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नव संवत्सर 2081 में आपके अल्फाबेट के अनुसार कितने चमकेंगे आपके सितारे, कौन बनेगा रोडपति, कौन बनेगा करोड़पति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसका होगा ब्याह। तो हमने कुछ अल्फाबेट की बात करी, आगे हम बात करते हैं एन अल्फाबेट से शुरू करते हैं। एन अल्फाबेट, एन अक्षर के हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए नव संवत्सर 2081 थोड़ा सा निराशा भरा रह सकता है। उम्मीद के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। देर विल बी सम फ्लक्चुएशंस, पगडंडी वाली रोड रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में व्यर्थ का वाद विवाद होगा, बगैर बात के आर्गुमेंट्स होंगे। उपाय, शनि में रात्रि में सफेद चीजें, दूध, दही, चावल इत्यादि का सेवन करने से बचिएगा। रात के समय में व्हाइट चीजों का सेवन नहीं करना है, जैसे दूध, दही, चावल इत्यादि नहीं करना है। निश्चित तौर पे नव संवत्सर 2081 शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं ओ अल्फाबेट, ओ अक्षर के जो हमारे दर्शक है, जातक है, नव संवत्सर 2081 आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज राइट ईयर टू डू द बिग इन्वेस्टमेंट। प्रेम और वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। उपाय, महीने में एक बार सुंदरकांड का, वैसे तो हर सप्ताह करें, लेकिन एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर वर्ष 2081 नव संवत्सर 2081 में शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। पी अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। पी अक्षर के हमारे दर्शक, जातक, वर्ष 2081 नव संवत्सर 2081 आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, दोनों में नव संवत्सर 2081 सामान्य रूप से व्यतीत होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में
जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा, इमोशंस को समझना होगा। उपाय, हर बुधवार गणेश मंदिर में दर्शन करके दुर्वा अर्पण करें, लड्डू अर्पण करें, नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं क्यू अल्फाबेट की। क्यू अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में मनचाही उन्नति लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, रोजाना सूर्य देव को जल का अर्ध प्रदान करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं आर अक्षर की, आर अल्फाबेट की। आर अक्षर के हमारे जो दशक है, नव संवत्सर 2081 इच्छा पूर्ति करने वाला वर्ष रहेगा, सपनों को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, माता के मंदिर में शुक्रवार को दर्शन करके सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं एस अल्फाबेट की। एस अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, नव संवत्सर 2081 आपके लिए स्ट्रगल करने वाला ईयर रहेगा, संघर्ष में वर्ष रहेगा। नौकरी का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, संभल कर काम करना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी ध्यान से रहना होगा, क्योंकि उसमें चाय के प्याले में तूफान आ सकता है, वैवाहिक संबंधों में तूफान आ सकता है। उपाय, हर शनिवार शनि मंदिर में तिल तेल मिक्स करके चढ़ाइएगा, अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं टी अल्फाबेट की। टी अक्षर के जो हमारे दशक हैं, जातक हैं, नव संवत्सर 2081 आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके करियर में नया सवेरा लाने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे दिन गुजरेंगे, गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यू अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। यू अक्षर के जो हमारे दशक हैं, नव संवत्सर 2081 जीवन में कुछ कर दिखाने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रेम वैवाहिक जीवन में रूठना मनाना चलता रहेगा। उपाय, मंदिर में एक बार गौशाला में 11 किलो गुड़ का दान कीजिएगा, महीने में एक बार गौशाला में 11 किलो गुड़ का दान कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वी अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। वी अक्षर के जातक, नव संवत्सर 2081 आपके दिल के अरमानों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा, आपके सपनों को, अपने मन की मुराद को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में वर्ष अच्छा गुजरेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन में विश्वास और प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, महीने में एक बार वृद्धाश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, संवत्सर 2081 के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। डब्ल्यू अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू अक्षर के जातक, नव संवत्सर 2081 मन चाही सौगात देने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिन अच्छे गुजरेंगे। प्रेम वैवाहिक जीवन में प्यार और शिकायतें चलती रहेगी, रूठना मनाना चलता रहेगा। उपाय, महीने में एक बार कुष्ठ आश्रम में उड़द दाल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक्स अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। एक्स अक्षर के जातक, नव संवत्सर 2081 सुकून देने वाला वर्ष रहेगा, शांति देने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन खट्टा मीठा बना रहेगा। उपाय, महीने में एक बार अंधे बच्चों के स्कूल में शक्कर का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वी अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। वाई अक्षर के जातक, नव संवत्सर 2081 मंगलमय रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, व्यापार में लाभ होगा। प्रेम वैवाहिक जीवन 2081 में सुखमय बना रहेगा। उपाय, महीने में एक बार किसी मंदिर गुरुद्वारे में 8 किलो आलू का दान कीजिएगा, नव संवत्सर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जेड अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। जेड अक्षर के जातक, नव संवत्सर 2081 कभी खुशी कभी गम देने वाला वर्ष रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त नहीं होंगे। प्रेम वैवाहिक जीवन में शिकायतों का दौर चलता रहेगा। उपाय, नियमित रूप से पक्षियों को दाना खिलाइएगा, वर्ष 2081 नव संवत्सर के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
तो आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। एक विशेष सूचना जानकारी भी आज के इस लाइव एपिसोड में मैं आपको दे देता हूं। आज सूर्य ग्रहण रहेगा, चैत्र मास की अमावस्या तिथि है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, इसलिए किसी भी तरह के सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। लेकिन रात्रि काल में फिर भी 9:15 बजे से रात को 1:15 बजे के मध्य में आपको भोजन इत्यादि नहीं करना है। आज का भोजन डिनर जो है वो 9:15 बजे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से सोइएगा। और निश्चित तौर पर सुबह उठ के आपको जो कल से नवरात्रा भी शुरू हो रही है, बसंत नवरात्रा भी शुरू हो रही है, तो बसंत नवरात्रा का जो आपको मैं बता देता हूँ कि इस बार बसंत नवरात्रा का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन से रहने वाला है। बसंत नवरात्रा का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 12:13 से 12:54 दोपहर के मध्य में अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा। सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, कल बसंत नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में रहेगा। दोपहर 12:13 से 12:54 के मध्य में घट स्थापना करना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। तो नव संवत्सर की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।